हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने साइंस क्लासेस में। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड। सबसे पहले जो प्लास्टिड है उसको शिम्पर ने 1885 में देखा था, और प्लास्टिड की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इन शिम्पर को ही जाता है। और जो टर्म थी प्लास्टिड वो शिम्पर ने ही सबसे पहले दी थी। अब प्लास्टिड होता क्या है, यानी प्लास्टिड एक ऐसा डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, यानी प्लांट सेल के अंदर पाया जाने वाला डबल्ड लेयर्ड सेल ऑर्गेनली ही कहलाता है प्लास्टिड। क्योंकि देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, यानी सेल के अंदर तीन ही ऐसे सेल ऑर्गेनली होते हैं जो डबल लेयर्ड होते हैं, यानी जिनके अंदर दो लेयर होती हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर होती हैं। दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है प्लास्टिड, और प्लास्टिड का ही पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर दो लेयर्ड होती हैं। और राइबोसोम से एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन यानी लेयर नहीं होता है। और ये जो प्लास्टिड है ये थ्री टाइप्स का होता है। इसके अंदर जो है तीन मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द क्रोमोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट। यानी प्लास्टिड जो है थ्री टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, फर्स्ट वन इज द क्रोमोप्लास्ट, यानी क्रोमो मीन्स होता है कलर, प्लास्ट यानी पिगमेंट, यानी ये एक कलर पिगमेंट होता है जिसका काम होता है टू प्रोवाइड कलर। यानी ये क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, उन सभी को कलर देने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। और ये क्या करता है, देखिए, जो ऑल कलर होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर, यानी हरे रंग को छोड़कर जितने भी रंग होते हैं वो सभी प्लांटों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट। और जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, यानी जो रेड चिली होती हैं और जो टोमेटो है, इनका जो रंग होता है वो लाल होता है। तो लाल रंग देखिए इन सभी का किसकी वजह से होता है, इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लाइकोपीन। इस लाइकोपीन के कारण ही जो रेड चिली और जो टोमेटो हैं वो रेड कलर की होती हैं। वहीं जो फ्रूट्स होते हैं ये येलो रंग के होते हैं या फिर ऑरेंज रंग के होते हैं, और इनका जो कलर है येलो या ऑरेंज वो भी क्या है, एक क्रोमोप्लास्ट का ही पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैरोटीन। इसके कारण जो फ्रूट्स हैं वो पीले रंग के या फिर ऑरेंज रंग के होते हैं। इसलिए क्या है, देखिए, जो क्रोमोप्लास्ट है उसका जो मेन फंक्शन हो गया वो हो गया जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करना। वहीं यानी ये क्या है, देखिए, ग्रीन कलर को छोड़कर सभी कलर जो है प्रोवाइड कर सकता है पौधों के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। अगर हम बात कर लेते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, ये भी एक कलर पिगमेंट है, लेकिन ये क्या करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। यानी जो पौधों के जो मोस्टली पार्ट होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, और वो किसकी वजह से होते हैं, वो इस क्लोरोप्लास्ट के कारण होते हैं। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऐसा कलर पिगमेंट है जो प्लांट्स को हरा रंग देता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी क्या है, कई सारे टाइप्स के होते हैं, लेटर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या है प्लांट्स को ग्रीन के साथ साथ कुछ और भी रंग प्रोवाइड कर सकता है। और अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, उसके बारे में, जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका काम होता है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज यानी जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या करता है,
जो प्लांट हैं उनका फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है। और इसके जो है देखिए फूड स्टोर करने के टाइप पर भी हमने इसको तीन कैटेगरी में, थ्री मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर ये क्या है किसी प्लांट का जो स्टार्च है उसको स्टोर करेगा तब जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कहलाता है अमाइलोप्लास्ट। अगर वहीं ये क्या है किसी फैट या फिर ऑयल को स्टोर करता है तब ये कहलाता है एलाइओप्लास्ट। अगर ये क्या है देखिए, नहीं तो स्टोर को स्टार्च को स्टोर कर रहा है, नहीं फैट या ऑयल में से किसी को स्टोर कर रहा है, अगर ये प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो ये कहलाता है एलेरोप्लास्ट। यानी जो फूड मटेरियल प्लांट के अंदर मौजूद रहते हैं उनके स्टोर होने के आधार पर जो ल्यूकोप्लास्ट होता है हमने उसको भी तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है, अमाइलोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट और एलाइओप्लास्ट। यानी अगर ये स्टार्च को स्टोर करेगा तो एमाइलोप्लास्ट, अगर फैट या ऑयल में से किसी को भी स्टोर कर रहा है तो ये एलाइओप्लास्ट कहलाएगा, और ये प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो ये एलिरोप्लास्ट कहलाता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट था इसके अंदर एक पिगमेंट और मौजूद रहता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। जिसकी वजह से क्या है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका रंग जो है ग्रीन होता है, या फिर जो प्लांट्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो मोस्टली पार्ट्स होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, वो इस क्लोरोफिल की वजह से ही होते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद रहता है। अगर हम बात करें इनके कन्वर्धन के बारे में, यानी क्लोरोप्लास्ट जो क्रोमोप्लास्ट है और जो क्लोरोप्लास्ट है या फिर जो ल्यूकोप्लास्ट है उनके, वैसे तो ये तीनों ही जो प्लास्टिड के पार्ट हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर ल्यूकोप्लास्ट, ये सभी क्या है प्रोप्लास्टिड से बने होते हैं। यानी इन तीनों की जो बेसिक ओरिजिन है, इनके जो बनावट है वो सभी की क्या है एक जैसी होती है, तीनों एक से ही मिलकर बनते हैं। यानी चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे ल्यूकोप्लास्ट हो, ये सभी का इन सभी तीनों का निर्माण जो है जो प्रोप्लास्टिड है उसी से होता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे इनके कन्वर्धन के बारे में, यानी क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट, क्योंकि ये क्या है देखिए कलरफुल पार्ट है और ये ग्रीन कलर पार्ट है और ये कलरलेस। यानी जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या है कलरफुल होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर का होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होता है। यानी अब ये जो ग्रीन कलर का यानी जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है देखिए इससे क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और जबकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है देखिए इस ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या है इस ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या है इस क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कभी भी ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये क्या है देखिए जो कलरफुल पार्ट है ये क्या है यानी जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या है क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकता, वहीं क्या है जो ल्यूकोप्लास्ट है ये भी क्या है इस क्लोरोप्लास्ट में कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं। यानी इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, यानी देखिए हमारा कहने का मतलब ये है जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या है क्लोरोप्लास्ट में बदल सकता है, नहीं बदलेगा कभी भी, और वहीं क्या है जो ल्यूकोप्लास्ट है वो भी क्या है क्लोरोप्लास्ट में कभी नहीं बदल सकता, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में ही बदल सकता है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट में ही बदल सकता है, वहीं जो क्रोमोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है। क्योंकि देखिए जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर स्टार्ट करते हैं ग्रीन चिली से, यानी हरी मिर्च जो होती है, देखिए हरी मिर्च है
हरी मिर्च क्या है, जब ये पकेगी तो ये क्या होती है, देखिए कलरफुल बन जाती है, और कलरफुल यानी देखिए जब ये ग्रीन थी तो इसके अंदर मौजूद था क्लोरोप्लास्ट, जब ये पकी तो जो क्लोरोप्लास्ट था उसका क्रोमोप्लास्ट के अंदर बदल गया यानी कलरफुल हो गया। वहीं यानी ऐसा तो कभी नहीं होगा, यानी जो रेड चिली है यानी जो पकने के बाद मिर्च हो जाती है लाल रंग की, वो क्या है दोबारा से हरी हो जाए, नॉट पॉसिबल, डैट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने कहा जो क्रोमोप्लास्ट है वो कभी क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, सेम वैसे ही होता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट कभी भी जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर नहीं बदलता है, क्योंकि ये कलरलेस होता है, कलरलेस से जो है ग्रीन कलर में कभी भी कन्वर्ट नहीं होया जा सकता है। इनमें एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एटियोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट। अब एटियोप्लास्ट क्या है, देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज मान लेते हैं हमने एक ग्रीन प्लांट लिया, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट है तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, और ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी जरूर होगा। लेकिन अगर हम इस ग्रीन प्लांट को किसी डार्क रूम में रख देते हैं, यानी जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, यानी ना ही तो सनलाइट है ना ही आर्टिफिशियल लाइट है, यानी बिल्कुल अंधेरा है, और कुछ दिनों बाद अगर हम इस प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे इस डार्क रूम के अंदर, या तो ये प्लांट ड्राई हो गया होगा या फिर येलो हो गया होगा, यानी या तो ये पौधा सूख चुका होगा या फिर पीला पड़ गया होगा। देखिए जब ये प्लांट या तो सूख गया है तो यानी उसके अंदर का जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो चुका है, या फिर पीला पड़ गया है तो क्लोरोफिल तो है बहुत बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। यानी जब इस क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है ये मौजूद नहीं होता है, तब हम इस क्लोरोप्लास्ट को ही कहते हैं एटियोप्लास्ट। यानी जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहता है, यानी नो क्लोरोफिल, तब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहलाता है एटियोप्लास्ट, और जो प्लांट जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नहीं होता है ये कहलाता है एटियोलेटेड प्लांट, एटियोलेटेड प्लांट। और ये कंडीशन ज़्यादातर उन प्लांट के अंदर आती है जो अंधेरे में रहते हैं, ना ही तो उन्हें आर्टिफिशियल लाइट मिल पा रही है ना ही सनलाइट मिल पा रही है, तब ये प्लांट जो है एटियोलेटेड प्लांट कहलाते हैं। अब हम जो प्लास्टिड का मेन पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये कई सारे टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट, क्योंकि देखिए हमने बताया था जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद रहता है, और जो क्लोरोफिल क्या करता है, एक कलर पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स का रंग जो है ग्रीन होता है। और ये भी हम कह सकते हैं, देखिए क्लोरोफिल की प्रेजेंस की बेस पर हमने क्या है क्लोरोप्लास्ट को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि होता है क्लोरोफिल फिल ए, यानी जो क्लोरोफिल ए है ये क्या है, मोस्टली जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पाया जाता है, यानी फाउंड इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के द्वारा क्या है फूड मटेरियल बना सकते हैं। वहीं दूसरा जो टाइप है वो है क्लोरोफिल बी, यानी जो हायर प्लांट हैं और जो ग्रीन एल्गी होती हैं उनके अंदर जो है जो क्लोरोफिल बी है वो पाया जाता है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियो के अंदर जो है क्लोरोफिल बी नहीं होता है। वहीं क्लोरोफिल जो शी है, ये जो ब्राउन एल्गी होती हैं
एंड जो डाई एटम्स हैं जिनमें क्लोरोफिल बी मौजूद नहीं होता है उनके अंदर क्लोरोफिल सी मौजूद रहता है। यानी जो ब्राउन कलर की एल्गी कवक होते हैं और जो डाई एटम्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल बी मौजूद नहीं है उनके अंदर क्लोरोफिल सी होता है। वहीं क्लोरोफिल फिल जो डी है ये जो रेड एल्गी होती हैं जिनके अंदर जो क्लोरोफिल बी है वो मौजूद नहीं है उनके अंदर क्लोरोफिल डी होता है। यानी जो क्लोरोफिल बी हो गया ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है, जो क्लोरोफिल सी हो गया ये ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, जबकि जो क्लोरोफिल डी है ये क्या है रेड कलर प्रोवाइड करता है, जबकि जो क्लोरोफिल ई है फिल ई ये येलो ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। यानी इसका काम होता है जो क्लोरोफिल ई है ये येलो और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। अगर हम बात करें जो क्लोरोप्लास्ट है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि हमने बताया था ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर वाली लेयर होती है ये आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर वाली लेयर होती है ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में खाली जगह मौजूद रहती है जिसको हम पेरी प्लास्टिड स्पेस कहते हैं। यानी जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है उनके बीच में जो खाली जगह मौजूद है उसको हम पेरिप्लास्टिड स्पेस कहते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें इसके अंदर की तरफ तो ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे डिस्क लाइक वी लाइक पहियों के जैसे जो है स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं। और ये जो डिस्क और जो भी लाइक स्ट्रक्चर हैं इनकी जो एक यूनिट होती है वो कहलाते हैं थाइलेगॉइड। यानी जिस एक जो सिंगल डिस्क है उसको हम थाइलेगॉइड कहते हैं। और ये जो थाइलेगॉइड है सबसे पहले इसके बाद इसकी जो ये जो टर्म दी गई थी वो मनके ने दी थी, मनके यानी जो एक साइंटिस्ट थे। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो थाइलेगॉइड थी ये किसके द्वारा प्रपोज की गई टर्म थी, ये मनके ने जो है प्रपोज की थी टर्म। और अब जब ये जो डिस्क हैं ये आपस में एक साथ मिल जाती हैं तब ये पूरी की पूरी डिस्क का जो बंच है जो गुच्छा है ये कहलाता है ग्रेना। और जितनी भी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेगॉइड पाई जाती हैं उन सभी को हम अगर कहें तो उसको कहें हम ग्रेनम, क्योंकि जो ग्रेना है ये सिंगुलर वर्ड है और जो ग्रेनम है वो प्लूरल वर्ड है। यानी ग्रेनम जो है हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम जितनी भी इस साइटोप्लाज्म इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है थाइलेगॉइड पाई जा रही है उन सभी के बारे में डिस्कस करने लगे तब हम ग्रेना ना इस्तेमाल करके ग्रेनम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग्रेना सिर्फ एक बंच के लिए एक जो है ये डिस्क का जो बंच है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे और सभी की बंचों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम ग्रेनम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और ये जो दो ग्रेना है दिस वन एंड दिस वन इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये जो बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा मेन होता है क्योंकि इसके द्वारा ही ये दोनों ग्रेना पार्ट जो है जुड़े हुए रहते हैं। और इस ग्रेन इस बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रेट चैनल। यानी जो ये फ्रेट चैनल है ये दोनों ग्रेना को जोड़ने का काम दो या दो से ज़्यादा ग्रेना को जोड़ने का काम करता है। और ये जो सेल है इसके अंदर राइबोसोम्स पाई जाती हैं वो भी 70S।
लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम्स पाई जाती है, वैसी क्या है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी क्या है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S राइबोसोम्स पाई जाती हैं। वहीं ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है, यानी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। इस देखिए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है, वैसे ही क्या है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। इससे कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है, यानी जो ये यूकैरियोटिक सेल हैं उनका निर्माण जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उन्हीं से हुआ है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होने से ही इन प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और जो क्लोरोप्लास्ट जो क्या है देखिए एक यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा है उसके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और सबसे पहले इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में रिस और प्लॉन्ट ने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसके अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद रहता है। वहीं ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर भी क्या है एक लिक्विड, एक जेली लाइक मटेरियल फिल रहता है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, वैसे क्या है इस जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर भी एक लिक्विड, एक जेली लाइक मटेरियल फिलअप रहता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, दिस वन इज द स्ट्रोमा। और यानी ये जो स्ट्रोमा है इसका फंक्शन भी क्या है सेम वैसा ही होता है जैसे कि जो दूसरे सेल होते हैं उनके अंदर जो लिक्विड होता है उसका काम होता है। अगर हम बात करें ये जो थायलाकॉइड है, इस थायलाकॉइड के ऊपर की तरफ बहुत सारे जो है पिगमेंट मौजूद रहते हैं और बहुत सारे जो पिगमेंट मौजूद हैं ये कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी क्योंकि देखिए जो थायलाकॉइड है ये ही रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इस थायलाकॉइड का भी कौन सा जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्योंकि देखिए कोई एक पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, इसलिए बहुत सारे जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराते हैं इस ग्रेना पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए हम इनको कहते हैं फोटो सिंथेटिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PSU यानी फोटो सिंथेटिक यूनिट कहते हैं। और इसको हम कंबाइंडली एक नाम से और जानते हैं क्वांटासोम, यानी जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है उसको हम क्वांटासोम के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले इस क्वांटासोम के बारे में पार्क और बिगनी ने बताया था, यानी जो ये फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी जो क्वांटासोम्स हैं वो जो है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद रहती हैं। और ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी जो क्वांटासोम्स हैं ये एक खास तरह का एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसको हम रूबिस्को एंजाइम कहते हैं, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं देखिए एक प्रोटीन ही तो होते हैं, यानी एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं। और ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये क्या है हमारी अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ,
क्योंकि देखिए मोस्ट एबंडेंट एंजाइम क्यों है ये हमारी अर्थ पर, क्योंकि ये क्या है, किसी भी क्लोरोप्लास्ट का लगभग 16% हिस्सा होता है रुबुस्का का, यानी जो रुबुस्को एंजाइम है ये क्या है, किसी एक क्लोरोप्लास्ट का लगभग 16वां हिस्सा होता है, यानी पूरी क्लोरोप्लास्ट का जो है ये 16वां पार्ट जो है खुद कवर कर लेता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक प्लांट के अंदर बहुत कितनी सारी जो है क्लोरोप्लास्ट होंगी, बहुत सारी होंगी, तो इसलिए क्या, देखिए जब एक क्लोरोप्लास्ट का जो है इसने केवल 16 पार्ट जो है कवर कर रखा है, तो पूरे प्लांट का जो है कितना पार्ट कवर करेगा, और हमारी पूरी अर्थ पर कितने प्लांट होंगे, तो फिर उनके अंदर कितना जो है रुबुस्को होगा। इसलिए क्या है, इस रुबुस्को को हम जो है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कहते हैं पूरी अर्थ पर। और प्यारे बच्चों, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, यानी जो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि जैसे कि हमने बताया था इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल भी अलग अलग टाइप्स का होता है, तो इसलिए इसका जो मेन फंक्शन हो गया वो हो गया, यानी O2 को रिलीज करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना एंड CO2 को इनहेल करना। यानी जो ऑक्सीजन गैस प्लांट के अंदर मौजूद रहता है वो क्या है, देखिए इस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बाहर की तरफ रिलीज कर दी जाती है, और जो CO2 एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है उसको ये इनहेल कर लेते हैं, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर भी कहाँ, जो ग्रेना पार्ट है इस क्लोरोप्लास्ट का उसके अंदर होती है, और ग्रेना पार्ट में भी कहाँ होगी, यानी जिसको हम फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी PSU, जिसको क्वांटासोम भी हम कहते हैं, उसके अंदर ही होती है। वहीं क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मौजूद है, क्योंकि DNA क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। क्योंकि देखिए जब DNA है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी जरूर कैरी की जाएगी, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी की जाती है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है। इसलिए क्या है, देखिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन कैरी की जा रही है, जो डबल स्टैंडर्ड DNA के द्वारा कैरी की जाती है, उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये क्या है, जो साइटोप्लाज्म के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है जो DNA डबल स्टैंडर्ड DNA मौजूद रहता है उसके द्वारा कैरी की जाती है। यानी देखिए आम के वृक्ष पर आम ही लगेंगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है, वैसा तो देखिए जो DNA है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो मेनली कैरी की जाती है, जो न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है उसके द्वारा की जाती है, लेकिन ये भी क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने में हेल्प करता है जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है डबल स्टैंडर्ड DNA। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें या फिर कॉल करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।